हेलो गाइज, वेलकम दी बैक टू दी वेलकम। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ अलग सा टॉपिक मैंने कवर किया है। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम NFT को क्रिएट कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी एक नॉर्मल सी फ़ोटो को उसे 3D में कन्वर्ट करके सेल कर सकते हैं, यानी कि टाइप ऑफ मीन्स 3D NFT आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मैं चालू करता हूँ अपना वीडियो। मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, आ गए हम हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, उस ऐप का नाम है वॉइला, जैसा कि आप मेरे होम स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमें सिंपली यहाँ पे जो ये न्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे जितने भी सारे फ़ोटोज़ होंगे वो सब शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ से आपको जिस फ़ोटो का आपको 3D NFT क्रिएट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक फ़ोटो कोई भी गर्ल का सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जिस फ़ोटो का आपको NFT बनाना है आप उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस गर्ल का फ़ोटो ले लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली उस फ़ोटो को अपने आप 3D NFT में कन्वर्ट कर रहा है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे ये ऐप परमिशन नहीं दे रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की, इसके लिए मुझे ये वाली रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 3D NFT है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आपको इसमें भी और थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वाली फ़ोटो चाहिए तो यहाँ आपको नीचे दिख रहा है कार्टून 3D का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये फ़ोटो कुछ इस टाइप की हो जाती है जैसे आपको स्क्रीन में दिख रही है। अब यहाँ पे ऊपर जो आपको सिंपली जो अपलोड वाला बटन दिख रहा है हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फ़ोटो है वो हमारे गैलरी में सेव हो गया होगा। चलिए मैं आपको फ़ोटो भी बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो सेव का बटन है इसे प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस, चलिए अब हम देख लेते हैं कि वो फ़ोटो किस टाइप से सेव हुआ है। तो चलते हैं हम सीधा अपनी गैलरी में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फ़ोटो कुछ इस टाइप से हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नीचे इस ऐप की ब्रांडिंग आ रही है वॉइला आर्टिस्ट। अब मैं आपको एक फ्री आइडिया बताता हूँ इसे हटाने के लिए आपको क्या करना है। सिंपली ये जो फ़ोटो है ये तो मैंने ऐसे ही आपके लिए, आपको बताने के लिए मैंने फ़ोटो सेलेक्ट की है, लेकिन आपको इस फ़ोटो में चारों तरफ वाइट बैकग्राउंड रखना है, मतलब कि जो अंदर की इमेज है उसको छोटी रखनी है। तो उससे क्या होगा, ये जो वॉइला आर्टिस्ट की जो ब्रांडिंग है वो आ जाएगी उस वाइट पेपर के ऊपर, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, और वहाँ से आप सिंपली इसे क्रॉप करके इसकी साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस फ़ोटो में कोई भी वॉइला की ब्रांडिंग भी नहीं आएगी। और गाइस, NFT क्रिएट करने के बाद इस NFT को कैसे अपलोड करना है ये वाली बात मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है। अगर आपको नहीं आता है NFT को अपलोड करना तो प्लीज़ आप मेरी पिछली वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।